हेलो फ्रेंड, दिस इज सुरेश विच क्लॉथ करता हूँ अपने चैनल फिर जॉब में। दोस्तों आज हम जो है स्पेशली बात करने वाले हैं हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है अब जो जिसको बोलते हैं सुपर टेट, वो अच्छी तरीके से संपन्न कर ली गई है और अब जो है बात चल रही है। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके कट ऑफ को लेकर किस तरह से जो है उनके मार्क्स जो हैं बनेंगे, उनको किस तरह से किस किस में वेटेज मिलेगा, शिक्षा मित्र का जो है क्या वेटेज रहने वाला है मार्क्स का, किस तरह से जो है जो भी आपके प्राप्तांक अंक है उसका अवलोकन किस तरह से होगा। तो इन सभी जो है प्रश्नों से जो है स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्त हम पूरा जो है अवलोकन करने वाले हैं, पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम अवलोकन करेंगे, एग्जाम्पल्स लेकर चलने वाले हैं, लास्ट ईयर की कटअप की बात भी करेंगे जो पिछली भर्ती हुई है शिक्षक की। तो दोस्तों वीडियो के साथ जो है अंत तक जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में बिल्कुल जरूर दबा दीजिएगा, इससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे ताकि मेरे वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने पहली स्लाइड है वो है दोस्त कि आपके जो हैं अंक और भारांक, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। पहली चीज़ जैसे अगर आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर होंगे मैं पहले स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। जैसे पहली बात करते हैं दोस्त वो होता है हाई स्कूल से। मान लीजिए जैसे मैं बताता हूँ हाई स्कूल का जो है आपका प्रतांक जो भी आपने पाया हो उसका 10%, ठीक, कितना परसेंट, 10%, ठीक है, उसका 10% आपको सिर्फ नंबर जो है आपके फाइनल कटअप में जोड़ा जाएगा। इंटरमीडिएट में जो भी पाया है आपने उसका 10% जो है आपका फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरह से स्नातक में जो भी किया उसका भी 10% जो आपका जोड़ा जाएगा। बीटीसी प्रशिक्षण, बीएड प्रशिक्षण जो भी है उसका 10% जो है मार्क जोड़े जाएंगे। इसी तरह से सहायक भर्ती परीक्षा जो भी आपने पाया है लेकिन उसका जो है 60% जो भी सहायक भर्ती परीक्षा यानी जो भी आपका सुपर टेट हुआ है ना उसका, उस परीक्षा का 60% मार्क जो है आपका जो है फाइनल कटअप में जोड़ा जाएगा। उसके बाद दोस्त जो भी मान लीजिए आपने मतलब जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए जो है एक स्पेशली चीज़ दिया गया है, वो क्या दिया है, वेटेज दिया गया है, कितना नंबर का, 25 नंबर का, यानी उनको 25 मार्क जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है लेकिन 25% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी संघर्ष भरा उनका जो है ये सफ़र रहा है शिक्षा मित्रों का और इसलिए जो है सरकार ने उनको जो है एक जो है छूट दिया है जिसे 25 जो अंक है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। सिर्फ वो शर्त ये है कि उनको टीईटी जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, टीईटी, ठीक है, और सुपर टेट जो है उनको पास भी होना, सुपर टेट में जो भी नंबर लाएं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको जो भी सुपर टेट में नंबर लाते हैं वो कटअप में जुड़ेगा। मैंने बता दिया ना सुपर टेट का कितना, 60% नंबर जो है आपका जुड़ने वाला है। अब दोस्त एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ये तो बात आपने ऐसे समझ लिया कि चलो भाई इतना इतना नंबर है और जुड़ेगा, तो स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल से। तो दोस्त जैसा कि यहाँ पर आपके सामने जैसा है कि हाई स्कूल है, फिर क्या है, इंटर है, उसके बाद क्या है दोस्त, बीए बीएससी है, उसके बाद क्या है, बीएड और बीटीसी है, ठीक है, ये चार क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो दोस्त जैसा कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए जैसा कि आपने 60% मार्क, ठीक है, 60% मार्क मान लीजिए आपने लिया, ठीक है, 60% मार्क आपने मान लीजिए चुना, तो 60% मार्क अगर आपने लिया है तो कितना हो गया, 6 नंबर हुआ, कितना हुआ, 6 मार्क हुए, कितना हुआ, 6 मार्क्स हुए। इसी तरह से इंटर में कितने हुए, 6 मार्क्स हुए। तो दोस्त इसी तरह से जो है आपका बीए बीएससी में कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स हो गए, बीएड और बीटीसी में कितने हो गए, 6 मार्क हो गए, ठीक है। इन सब का कितना परसेंट लेना था हमको, 10% लेना था, ठीक है, 10%। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से चुना है, मान लीजिए जैसे 60% आपने कितना परसेंट लिया, 60% लिया, कितना नंबर, हाई स्कूल में आपने 60 लाया, इंटर में आपने 60% नंबर लाया, बीए बीएससी में 60% नंबर लाया और बीएड और बीटीसी में भी कितने नंबर ले आए, 60% मार्क ले आए। अब देखिए ये नंबर जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने वेटेज लिया कि इतने मार्क्स मिनिमम होते ही होते हैं, ठीक है, 45 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मैंने 60% इसमें से चुन लिया कि 60% मार्क पे वेटेज मैंने लिया, ठीक है। तो 60% का अगर देखा जाए दोस्त तो ये कितने हो गए आपके, 6666 मार्क हो गए, ठीक है। तो अगर टोटल मार्क को जोड़ा जाए तो कितने हो गए, 24 मार्क्स हुए, कितने हुए, 24 मार्क हुए ये टोटल, ये कितने हो गए, 24 मार्क हो गए टोटल। देख लीजिए मैंने क्या बताया था कि जो भी आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीएड, बीटीसी में जितने भी प्रतिशत अंक लाए हैं उन प्रतिशत अंक यानी मान लीजिए 60% लाए हैं तो 60% का जो है आपको 10%, 60% जो भी आपका 60% है ना तो 60% को आप 60 मार्क जोड़िएगा, ठीक है, 60 मार्क, 60% है तो 60 नंबर हुआ, उस 60 नंबर का 10% सिर्फ जो है आपके जो है
कटअप में जो है जुड़ेंगे, या ऐसे जोड़ना जैसे मान लीजिए आपने, मैंने बताया ना आपने 100% में से 60% आपने हाई स्कूल में ले आया, तो 60% आपने अगर हाई स्कूल में ले आया दोस्त, तो इस तरह से आपका क्या हो गया 10%, ठीक है, कितना हुआ 10%, तो 10% अंक 60 का, 60 का 10%, तो 60 नंबर जो आपका प्रतिशत हुआ तो उसका जो है वो कितना हो गया, वो 60 मार्क हो गया, कितना मान के चलिए वो 60 मार्क, और उस 60 मार्क का 10% इसी तरह से कितना हो गया 6 मार्क हो गए, इसी तरह से 6 मार्क, ठीक है। इस तरह से आप, मैं देखिए थोड़ा विस्तार से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। 60% 60% 60% 60%, अब ये 60% 60% नहीं होगा, ये नहीं, इस तरह से आप नहीं कर सकते कि 60/100, ये नहीं हुआ। 60% को क्या मान के चलना है, 60 मार्क मान के चलना है। अब 60 मार्क का ही 10% सिर्फ, ठीक है, ये मार्क होगा, ठीक है, 10%, इसी को सॉल्व करने पे जो आपका 6 आएगा। तो यही चीज कह रहा हूं कि 6 नंबर आपको कटअप में जुड़ेंगे, तो इस चीज से आप स्पष्ट हो गए अच्छी तरीके से, ये चीज आपको स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको कटअप में ये इन सब के क्वालिफिकेशंस के मार्क जुड़ेंगे, ठीक है। आपका भी जो भी परसेंट हो, जैसे 55 हो गया किसी का, 60 हो गया, 70 किसी ने लाया, किसी का 80 लाया, इसी तरह से उनका भी जो है मार्क जो है उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एकेडमिक में जो भी आपने पाया है उसका मार्क उतना ही जुड़ता जाएगा। हमने मिनिमम 60 लेके चला है कि आपने 60% नंबर सब में लाया, इस हिसाब से 60 नंबर हुए, 60 को 10, 60 का जो है 10% आपने किया, तो 6-6 नंबर आपके टोटल आ गए, तो कुल मिला के 24 मार्क हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद दोस्त जैसे यहां पर आप देख लीजिए हाई स्कूल का कितना लिखा था, परीक्षा में प्रथम का प्रतिशत, ठीक है, परीक्षा में प्रथम का प्रतिशत मान लीजिए, मैंने बता रहा प्रतिशत माने 60 नंबर लाया, उसका कितना परसेंट 10%, 10/100 दिखा ना, देख लीजिए आप ध्यान से 10/100, उसी को करके जो भी सॉल्व करके आपने लाया, जैसे 6 नंबर मैंने लाया, 60 नंबर पाया तो हिसाब से उसका 10% 6 नंबर हुआ, इसी तरह से उसका 6 नंबर जुड़ा। तो इस तरह से हमने जोड़ा, कितना नंबर लाया 24 मार्क्स, आपने कई बार मैंने बता चुका है, मैंने बताया है 24 मार्क्स। अब देखिए ये तो आपके क्वालिफिकेशन एकेडमिक हो गए, अब बात आती है सुपर टेट की। तो सुपर टेट में क्या दे रखा था, सुपर टेट में जो भी आपने नंबर लाया, तो मान लीजिए इसने ले आया, मैंने एक बहुत ही मैक्सिमम नंबर लिया है, मान लीजिए 150 में से आपने 120 नंबर गेन किए, तो 150 में से 120 कितना परसेंट हुआ, ये हुआ 80% हुआ, कितना हुआ 80% हुआ। 150 में से 120 अगर आपने नंबर लाया तो आपने 80% नंबर गेन किया, कितना परसेंट गेन किया 80%। किस तरह से आपका हाई स्कूल में होता है, मान लीजिए 500 में से आपने 400 नंबर लिया है, तो उसका प्रतिशत आपने निकाल लिया 400/500 × 100, ठीक है, इस तरह से आपने निकाल लिया, तो इस हिसाब से जो है आपका 80% नंबर आपका हो गया, ठीक है, कितना परसेंट हो गया आपका नाम 80% नंबर हो गया। अब अगर आपने 120 नंबर गेन किया है 150 में से, तो 80% हुआ। जैसे मैंने पहले बता दिया था ना कि प्राप्तांक अंक का प्रतिशत गुणे 10% वो था, लेकिन यहाँ पर सुपर टेट में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, यानी सुपर टेट यही बात कर रहा है, इसमें क्या बताया परीक्षा में प्राप्तांक जो है प्राप्तांक अंक का प्रतिशत गुणे 60, ठीक है, प्रतिशत गुणे 60/100, यानी जो भी आपने प्राप्तांक पाया है, जितना भी प्रतिशत पाया है, नंबर पाया है, उसका 60/100, ये आपका सीधा सीधा गणित है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए दोस्त, तो मान लीजिए 120 नंबर आपने पाया 150 में से, तो उस हिसाब से आपके 80% बनते हैं, और 80% का 60, ये देख लीजिए 80% का 60/100 बराबर कितने नंबर हो गए आपके 48 मार्क हो गए, यानी आपके सुपर टेट के 48 नंबर कटअप में जुड़ेंगे। 24 नंबर आपके एकेडमिक के जुड़ने वाले हैं, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके 24 नंबर जुड़ने वाले हैं, सुपर टेट में आपके 48 मार्क जुड़ने वाले हैं, कितने जुड़ने वाले हैं 48 मार्क जुड़ने वाले हैं। तो समझ गए दोस्त, इस तरह से आपके कटअप में कितने कितने भागीदारी होगी, कटअप में कितने नंबर की आपकी भागीदारी होगी, इस हिसाब से आप भी जोड़ लीजिएगा। आपने 110 नंबर लाया, किसी ने 90 नंबर लाया, किसी ने 80 लाया, इस हिसाब से आप जो है अपना नंबर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर बता दिया। आई थिंक कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पर जो है मार्किंग की बात करते हैं। अब मैंने बताया ना कि आप कटअप में मार्किंग कैसे होगी, नंबर कितना पाए, किस तरह से आपने टोटल नंबर कितना पाया, तो इस तरह से एनालिसिस इसको करते हैं। जैसा कि आपने मैंने पहले बता दिया, एकेडमिक में 24 ले आया और 60% अगर टेट का लिया जाए तो 48 मार्क लाया, और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो कितना नंबर आपने लेके आया, अगर इन दोनों को जोड़ा गया तो 72 मार्क्स आपने लेकर आए, ठीक है, ये आपकी मार्किंग हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं एक अलग सा केस हो, ये तो नॉर्मल केस हो गई, जो भी स्टूडेंट अभी भागीदारी लिए हैं आप हमारे शिक्षा भर्ती परीक्षा में। अब बात आती है शिक्षा मित्र, उनके लिए स्पेशल केस था, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए थे काफी संघर्ष के बाद। तो दोस्त अब देखिए सुपर टेट जो है
जो भी क्वालिफाई किए हैं शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं, टीटी जो पास है सिर्फ उनकी बात हो रही है, जो टीटी पास है सिर्फ उनकी बात हो रही है। अब मान लीजिए उनकी एक कंडीशन रखते हैं 20 नंबर एकेडमिक पाए, जैसे हम लोगों ने जोड़ा था ना 6-6 नंबर आपने जोड़ा था, इस तरह से मान लीजिए वो 50% अंक लाते हैं सब में, ठीक है, चारों सेक्शन में, इस तरह से 5% जो अगर 10% बात की जाए तो 5 नंबर हुए उनके, ठीक है, तो 5 से जोड़ा जाए तो 20 नंबर हुए उनके, ठीक है, 20 मार्क। तो हम मान लीजिए जैसे हमने 24 मार्क लाया था ना ऊपर, जब 60% कंडीशन लिए थे, उसी हिसाब से जोड़ लीजिए, इनका जोड़ते हैं कि मान लीजिए ये 20 नंबर ले आए एकेडमिक में, टोटल 20 मार्क ले आए। देख लीजिए मैं थोड़ा स्कोर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए। देखिए 24 मार्क ये 60% वाले कंडीशन लिए थे ना, तो हम अब यहाँ पर कंडीशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मान के चलते हैं कि इनका जो है 20 नंबर आया है एकेडमिक में। सुपर टेट में जो है इन्होंने थोड़ा सा खराब प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है, मैंने बताया था ना 40%, उस ऊपर वाले में 80% 120 नंबर पाया था तो उसका 80% बना था, तो इसका हम लोग मान के चलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 40% ही नंबर गेन कर पाया, ठीक है। तो 40% जब ये अंक प्राप्त किया दोस्त, तो मैंने बताया था ना प्राप्तांक अंक का 60% जो है परसेंट आपका, तो प्राप्तांक प्रतिशत कितना है 40 है, तो 40 × 60/100, ठीक है, 60% हुआ तो कितना हुआ 24 नंबर हुआ। तो इसने सुपर टेट में मान लीजिए 24 बहुत कम नंबर पाया, 24 नंबर इसको मिला, ठीक है, कितना नंबर मिला 24 नंबर इसका कट ऑफ में जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क की बात करते हैं दोस्त, एक्स्ट्रा मार्क ही जो है सबसे बड़ा जो है भागीदारी है, गेम चेंजर जिसे बोलते हैं, तो 25 नंबर जो है यही जो है गेम चेंजर हुआ, टीटी जो भी पास किए हैं शिक्षा मित्र उनके लिए गेम चेंजर साबित होता है 25 मार्क एक्स्ट्रा मार्क जो जुड़ रहा है वेटेज में, वो क्या है गेम चेंजर का काम कर रहा है। उसके बाद इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, इस हिसाब से इनकी जो है टोटल जो है मार्किंग, टोटल मार्किंग 20, फिर सुपर टेट का नंबर जोड़ो 24 और एक्स्ट्रा मार्क इसमें जोड़ लीजिए कितना हो गया 25, इस हिसाब से 69 नंबर इनके बन जाते हैं। मैंने बहुत ही कम जोड़ा है टीटी जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए, तो 69 नंबर उनके ऐसे ही बन जाते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया कि आपने कितनी मार्किंग ले आई, यानी 69 नंबर लाया किसी ने, लेके आया 72, किसी ने ले आया 80 नंबर, सारे क्वालिफिकेशन मतलब जोड़ के सबका मैंने बताया ना, पहले एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जो भी आपने एकेडमिक मतलब हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीटीसी बीएड, ठीक है, ये हुआ एकेडमिक। इसमें क्या था, जो भी आपने प्रतिशत पाया है मान लीजिए 60% पाया है उसका 10%, ठीक है। उसके बाद जो अभी सुपर टेट है, सुपर टेट का प्राप्तांक प्रतिशत, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्राप्तांक अंक नहीं, प्राप्तांक प्रतिशत का 60% सुपर टेट के लिए उसका नंबर जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है मैंने सारी चीजें प्लस करके आपको बता दी कि क्या प्लस है, किस तरह से जोड़ा जाएगा आपका, तो दोनों शिक्षा मित्र के लिए और जो नॉर्मल केस है उन सभी के लिए मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब अगर हम बात करते हैं दोस्त वर्ष 2018 की कटअप की बात करते हैं, ठीक है, वर्ष 2018 की कटअप, तो 68,500 के आसपास जो वैकेंसी थी और उनकी कटअप गई थी 45% जगह जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% जो है कटअप गई थी, ठीक है। अगर हम इस हिसाब से देखा जाए तो 150 × 45%, ठीक है, 150 × 45%, ठीक है, तो कितने हो गए मात्र 67 अंक हुए, कितना हुआ 67 अंक हुए। इसी हिसाब से 150 × 40% बराबर कितना हुआ है 60 अंक हो गए, 60 अंक, ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गए। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, कभी भी याद रखिए, और उस समय जो है मात्र 38% लोग ही सेलेक्ट थे, ठीक है, 38%, यानी ये जो कट ऑफ आपकी तैयार की गई थी 45 और 40 की, इसमें सिर्फ और सिर्फ 38% सिलेक्टेड ही थे और बाकी सब हटा दिए गए थे, ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्त अगर हम बात करते हैं यहाँ नीचे थोड़ा सा देखिए, अब देखिए मेरिट जो बनती है दोस्त ऊपर से नीचे बनती है, यानी जो हाईएस्ट होते हैं वहां से चूज करेंगे और नीचे आते जाएंगे, यानी उनको जितना 68,500 लिया गया था उस समय, तो 68,500 ही आपके जो है स्टूडेंट चुने जाएंगे, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके कटअप तैयार होने वाले हैं। तो ये रही, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक चीज़ यहाँ पर दे रखा था, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि 45% क्या जोड़ा है इस तरह से, तो ये याद रखिए 67 का जो है 45% की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर देख लीजिए 67/150, ठीक है, 150 में से किसी ने 67 जो है परसेंट गेन किया, उस हिसाब से इसका नंबर कितना हो गया, मान लीजिए इसने ले आया 45% लाया, हम सुपर टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसका जो है 60% और लगभग 26
के आसपास लगभग बनेगा, ठीक है। इसको इस कंडीशन को मत जोड़िएगा आप, ठीक है। इस ये जो मत छोड़िएगा कि 150 का 45% 68 नंबर, ये नहीं है, ठीक है, इस तरह से नहीं है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन, मैंने आगे जो है आपको सारी चीज़ें समझा दी है, किस तरह से नंबर गेन करना है, कितने नंबर आपको लेके आने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी ये 67 नंबर इसी तरह से नहीं तैयार हो गया, ये 67 नंबर में जिसमें आपका आपका एकेडमिक नंबर जुड़ा है, जिसमें आपका सुपर टेट का नंबर जुड़ा है, अगर शिक्षा मित्र हैं तो उनका जो है गेम चेंजर वाला मार्क जो 25 नंबर था वो जुड़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें एनालिसिस हैं। तो दोस्त ये रही आपकी पूरी की पूरी संपूर्ण कट ऑफ टीटी की 2018 की। 2019 की संभावना की बात करें, अगर हम सेफ स्कोर की बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपके आने वाले जो है आगामी जो है कट ऑफ आने वाला, क्योंकि आपका जो एग्जाम तो पूरी तरह अच्छी तरीके से संपन्न कर लिया गया है, तो जिनका भाई 100, ठीक है, 100 नंबर से ऊपर है, ठीक है, 100 के ऊपर जिनका भी है वो है बहुत ही सेफ जोन में रहेंगे। कितने नंबर किस में रहेंगे? सेफ जोन में रहेंगे। तो दोस्त ये याद रखिए, 100 जिसका भी है वो सेफ जोन में रहेंगे, बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्त तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे नए अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।